यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य 11वां अध्याय। और मुझे लग्गी के समान एक सरकंडा दिया गया और किसी ने कहा, उठ परमेश्वर के मंदिर और वेदी और उसमें भजन करने वालों को नाप ले और मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे, उसे मत नाप, क्योंकि वह अन्य जातियों को दिया गया है और वे पवित्र नगर को 42 महीने तक रौंदेंगी। और मैं अपने दो गवाहों को यह अधिकार दूंगा कि टाट ओढ़े हुए 1260 दिन तक भविष्यवाणी करें। ये वे ही जैतून के दो पेड़ और दो दीवट हैं जो पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े रहते हैं, और यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहता है तो उनके मुंह से आग निकलकर उनके बैरियों को भस्म करती है, और यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहेगा तो अवश्य इसी रीति से मार डाला जाएगा। इन्हें अधिकार है कि आकाश को बंद करें कि उनकी भविष्यवाणी के दिनों में मेह न बरसे, और उन्हें सब पानी पर अधिकार है कि उसे लोहू बनाएं, और जब जब चाहें तब तब पृथ्वी पर हर प्रकार की आपत्ति लाएं। और जब वे अपनी गवाही दे चुकेंगे तो वह पशु जो अथाह कुंड में से निकलेगा उनसे लड़कर उन्हें जीतेगा और उन्हें मार डालेगा, और उनकी लोथें उस बड़े नगर के चौक में पड़ी रहेंगी जो आत्मिक रीति से सदोम और मिसर कहलाता है, जहां उनका प्रभु भी क्रूस पर चढ़ाया गया था। और सब लोगों और कुलों और भाषाओं और जातियों में से लोग उनकी लोथें 3.5 दिन तक देखते रहेंगे, और उनकी लोथें कब्र में रखने न देंगे, और पृथ्वी के रहने वाले उनके मरने से आनंदित और मगन होंगे और एक दूसरे के पास भेंट भेजेंगे, क्योंकि इन दोनों भविष्यवक्ताओं ने पृथ्वी के रहने वालों को सताया था। और 3.5 दिन के बाद परमेश्वर की ओर से जीवन की आत्मा उनमें बैठ गई और वे अपने पांवों के बल खड़े हो गए, और उनके देखने वालों पर बड़ा भय छा गया, और उन्हें स्वर्ग से एक बड़ा शब्द सुनाई दिया कि यहां ऊपर आओ। यह सुन वे बादल पर सवार होकर अपने बैरियों के देखते देखते स्वर्ग पर चढ़ गए। फिर उसी घड़ी एक बड़ा भूइंडोल हुआ और नगर का 10वां अंश गिर पड़ा, और उस भूइंडोल से 7,000 मनुष्य मर गए और शेष डर गए और स्वर्ग के परमेश्वर की महिमा की। दूसरी विपत्ति बीत चुकी, देखो तीसरी विपत्ति शीघ्र आने वाली है। और जब 7वें दूत ने तुरही फूंकी तो स्वर्ग में इस विषय के बड़े बड़े शब्द होने लगे कि जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया, और वह युगानुयुग राज्य करेगा, और 24 प्राचीन जो परमेश्वर के सामने अपने अपने सिंहासन पर बैठे थे मुंह के बल गिरकर परमेश्वर को दंडवत करके यह कहने लगे कि हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, जो है और जो था, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने अपनी बड़ी सामर्थ काम में लाकर राज्य किया है, और अन्य जातियों ने क्रोध किया और तेरा प्रकोप आ पड़ा, और वह समय आ पहुंचा है कि मरे हुओं का न्याय किया जाए, और तेरे दास भविष्यवक्ताओं और पवित्र लोगों को और उन छोटे बड़ों को जो तेरे नाम से डरते हैं बदला दिया जाए, और पृथ्वी के बिगाड़ने वाले नाश किए जाएं। और परमेश्वर का जो मंदिर स्वर्ग में है वह खोला गया, और उसके मंदिर में उसकी वाचा का संदूक दिखाई दिया, और बिजलियां और शब्द और गर्जन और भूइंडोल हुए और बड़े ओले पड़े,